Welcome to Meridia. So some of you asked me, Manpai, how do we write a systemic review? How do we do a meta-analysis? So in dono pe na, I will talk separately. I will make two separate videos. And if you want to know ke bhai case report kaise likhte hain, how to write a research paper, to I will put those videos somewhere up here. So you can look at them. In this video, we will be talking specifically about systemic review. देखो सिस्टेमिक रिव्यू जो है ना उसमें ये आपको पता होना चाहिए पहले कि आप ये नहीं कर सकते कि कोई बहुत जनरल सा सिंपल सा टॉपिक उठाओ और कहो कि मैं इस पर सिस्टेमिक रिव्यू लिख रहा हूँ और वो सिस्टेमिक रिव्यू मैंने पब्लिश करना है. ठीक है, लाइक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इस तरह का आप सिस्टेमिक रिव्यू लिखोगे वो कहीं भी नहीं पहुंचने वाला. ठीक है, हो सकता है आपके छोटे मोटे लोकल किसी पाकिस्तान के जर्नल में या कहीं और किसी जर्नल में पब्लिश हो जाए, लेकिन पबमेड इंडेक्स्ड जर्नल. सो व्हेन आई से पबमेड इंडेक्स्ड, उसका मतलब क्या है कि आप अगर जाते हो pubmed.gov pubmed.com पे, तो वो एक डेटाबेस है रिसर्च का. उसमें सारे यूएस की और पूरी दुनिया की जो टॉप की रिसर्चेज हैं वो पब्लिश होती हैं. तो वो वहाँ आएगा कि नहीं आएगा? और अमेरिका में और इवन यूके में भी, मतलब जितनी भी टॉप की कंट्रीज हैं, जो मेन रिसर्च होती है ना वो पबमेड इंडेक्स्ड होती है. जो पबमेड में आ रही है वो सही है, जो पबमेड में नहीं आ रही उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती. अनफॉर्चुनेटली यू कैन स्टिल लिस्टेड इन योर सीवी, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी एज कम्पेयर टू जस्ट जो पबमेड लिस्टेड है. फिर एक लफ्ज आता है पीयर रिव्यूड. पीयर रिव्यूड का क्या मतलब? पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि एडिटर्स आपके सिंगल हैंडेडली रिसर्च पढ़ के वर्डिक्ट नहीं दे देते, वो भेजते हैं रिव्यूअर्स को. रिव्यूअर कोई भी हो सकता है. ठीक है, मोस्टली डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास जाता है, वो देखते हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं, अपना वर्डिक्ट देखते हैं. फिर आप रिव्यूअर्स की जो क्रिटिसिज्म होता है उसको आंसर करते हो कि क्यों ऐसे है, क्या है. और आपको बहुत ज़्यादा, हम लोगों को देसियों को इंग्लिश का नहीं पता होता, तो पंक्चुएशन एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो उससे बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है रिव्यूअर पे. तो बेहतर है कि पहले, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, कि एक दो एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल पढ़ लो ताकि थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाए अच्छी, के अमेरिकन कैसे लिखते हैं, और उस तरीके से लिखो ताकि एटलीस्ट जो आपके लिखने वाला है पार्ट उसमें कोई इतना मसला ना हो. अब आ जाते हैं जी के करें कैसे. पहले तो देखो एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढो. अब वो टॉपिक जितना स्पेसिफिक होगा ना उतना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उसमें पेपर्स उतने कम पब्लिश होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर याद है कि मैंने एक जो था, मैं हॉपकिंस में रिसर्च इलेक्टिव कर रहा था, और वो लोग उस वक्त एक पेपर लिखना चाह रहे थे कि भाई ग्लाइसेमिक कंट्रोल आईसीयू पेशेंट्स में कैसा होना चाहिए. तो उस पर दे वर लुकिंग एट ऑल द पेपर्स. तो देखो, रेदर देन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, उन्होंने कहा कि आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं उनका हम कितना लो ग्लूकोज रख सकते हैं और कितना हाई होगा. तो दैट वॉज दैट. मेरा एक मैंने खुद एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ किया था कि भाई थैलेमस जो है उसमें जो इनफार्क्ट है, इज इट मोर ऑन वन साइड राइट वर्सेज लेफ्ट और दी अदर वन. अब इसमें बहुत कम, 3-4 पेपर्स थे, तो सिस्टेमिक रिव्यू करना आसान है. अनदर वन दैट आई डिड व्हाट वाज के डुप्लीकेटेड गॉल ब्लैडर, उस पर आज तक 7-8 पेपर टोटल पब्लिश हुए हैं. तो यू नो, जितना आप स्पेसिफिक होते जाओगे ना उतना आपके लिए आसान है कि बहुत टिपिकल टॉपिक्स हैं. तो अब पहली तो ये बात है कि टॉपिक ऐसा सोचो कि बहुत ज़्यादा कॉमन और जनरल ना हो. जैसे मैंने बताया डुप्लीकेटेड गॉल ब्लैडर है, थैलेमस का इज इट यूनिलैटरल इनफार्क्ट मोर वर्सेज बायलैटरल, जो कि यूनिलैटरल है, एंड इफ इट इज यूनिलैटरल इज वन साइड मोर कॉमन देन दी अदर. एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आप उठाते हो और आप उसको आंसर करते हो. पहले तो आपका टॉपिक आ गया. फिर उसके बाद आता है देखो कि आपने करना क्या है, कि सिस्टमिक रिव्यू का मतलब क्या है. सिस्टमिक रिव्यू का मतलब है कि आप एक समरी प्रेजेंट कर रहे हो. जो क्वेश्चन आपने रेस किया ना उसकी एक बड़ी ब्रीफ सी समरी दे रहे हो, खुलासा दे रहे हो. तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप ऐसे करोगे कि देखो, अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में पबमेड का बताया. तो बेसिकली यू विल गो टू पबमेड्स वेबसाइट, ठीक है, और अपने कीवर्ड सोचो कि जो आपका टॉपिक है ना उसके एसोसिएटेड कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो उसके रिसर्च पेपर में लिखे होंगे. लेट्स से अगर मैं यही थैलेमस वाली एग्जांपल लूँ, तो आई विल राइट थैलेमस, ब्रेन इनफार्क्ट, वीनस इनफार्क्ट, वेन ऑफ लबे, यू नो, जो जो चीज़ें आ सकती हैं, वीनस इनफार्क्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रल इनफार्क्शन, यू नो, ये इस तरह की मैं 15-20 कीवर्ड्स लिखूंगा. गॉल ब्लैडर आ गया तो डुप्लीकेटेड गॉल ब्लैडर, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर डुप्लीकेशन, यू नो, जो जो जहन में आए आप इस तरह की कीवर्ड्स लिख लो. पहले तो वो 15-20-25 कीवर्ड्स लिखो. फिर अब आप उन कीवर्ड्स को डाल के पबमेड में सर्च करो कि ठीक है, अब मैंने ये कीवर्ड डाला है तो मुझे ये 100 पेपर आया. फिर आपने, और ये हर चीज़ का आपने रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, अगर आपने ये कीवर्ड डाला है तो ये 200 आए हैं, फिर ये कीवर्ड डालने हैं तो ये इतने, फिर मैंने इन मल्टीपल कीवर्ड्स को डाला है तो मुझे ये कुछ आया.
तो पबमेड सर्च पे भी आई विल ट्राई टू डू अ वीडियो कि भाई पबमेड सर्च के कुछ ट्रिक्स होते हैं वो कैसे करना है, लेकिन फिलहाल कीप दिस इन माइंड। तो आपने लेट्स से ऐसे आपने 2,000-1,500 पेपर, 1,500 पेपर इकट्ठा कर लिया। अब पहले आप करोगे कि जो टाइटल रिव्यू, तो आपने रिकॉर्ड हर चीज़ का रखना है। टाइटल रिव्यू ये है कि सिर्फ आप टाइटल पढ़ रहे हो, आपने गॉल ब्लैडर डुप्लीकेशन लिखा था उसमें रीनल डुप्लीकेशन आ गया, नहीं 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 वो रिलेटेड नहीं है, आपने उसका टाइटल पढ़ते ही निकाल दिया, यू नो। तो वो है कि अब आप कहोगे कि भाई मैंने 1,000-1,500 में से जितने भी थे ये टाइटल्स उन आर्टिकल्स के रिव्यू किए, तो उनमें से मैंने 90% तो सिर्फ टाइटल पढ़ के निकाल दिया। अब टाइटल के बाद उनमें से लेट्स से आपके पास 50 से 100 बचे हैं, उन 50 से 100 जो भी आपके पास अब बच गए हैं उनके आपने एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट करने हैं और वो पबमेड पे फ्रीली अवेलेबल है सबको, ठीक है। तो अब उसमें कुछ लोग एंड नोट रेफवर्क्स भी यूज करते हैं, मैं उसके लिए भी आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट सम टाइम, लेकिन आपने सिर्फ अब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपने वो 50 से 100 पढ़े हैं और आपने हर चीज का हर स्टेप का रिकॉर्ड रखना है, पहले 2,000 थे अब वो 2,000 से 100 आ गए, अब इन 100 में आपने सबके एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे आपको पता लगा कि ये जो 15 पेपर्स है ना ये मेरे साथ रेलेवेंट है, बाकी जो ये 85 है ये रेलेवेंट नहीं है, तो आपने उसको भी निकाल दिया। अब आपने ये भी रिकॉर्ड में रखना है कि भाई ये 85 मैंने इसी तरह निकाल दिए, तो 15 रह गए। अब 15 के आपने पूरे फिर फुल लेंथ पेपर निकलवाने हैं, ठीक है। उसमें अमेरिका में अगर कोई बंदा बैठा है आपका दोस्त यार जानने वाला, तो उससे रिक्वेस्ट कर दो, अमेरिका में ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में लोग होते हैं दे कैन हेल्प यू विद दैट कि वो फुल लेंथ पेपर दे दें, या आई थिंक शायद इस वक्त किंग एडवर्ड में आखान में भी फुल लेंथ आर्टिकल कुछ उनके पास हैं, सब्सक्रिप्शन एक्सेस वगैरह। तो वेर एवर यू आर, इंडिया में हो, एम्स में, जहां भी हो, तो देर आर सर्टन प्लेसेज यू कैन गेट फुल लेंथ पेपर्स। तो वो जो 10-15 पेपर बचे हैं ना उनके फुल लेंथ पेपर निकलाओ, ठीक है। फुल लेंथ पेपर अब आपने निकाल लिए, अब उनको पढ़ो, अब उनमें से आप देखते हो कि आपके साथ कौन से रिलेटिव हैं, रेलिवेंट हैं, जो आपका टॉपिक है। लेट्स से जिस तरह आप गॉलब्लैडर डुप्लीकेशन है, आपको एंड पे 15 में से 8-10 पेपर मिल गए। अब ये 8-10 पेपर है ना ये आपके मेन पेपर हैं, ठीक है। इनको उठा के आपने पूरा एक रिसर्च पेपर लिखना है। अब वो कैसे लिखना है उसमें अब ये आता है कि देखो पहले जो मैंने अभी ये सारा प्रोसेस बताया ना आपको, आपने लिखना इससे स्टार्ट करना है, मटीरियल्स एंड मेथड्स से। और मैंने पिछली वीडियोस भी मेरी देख लो गौर से, सबसे पहला काम ये करना है कि जिस जर्नल में पब्लिश करना चाहते हो ना उसकी वेबसाइट पे जाओ और इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स, ऑथर गाइडलाइंस देखो। उसकी जो ऑथर गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स हैं, उसमें ये देखो कि वो सिस्टमिक रिव्यू एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो हर जर्नल की काफ़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इतने पेजेस होनी चाहिए, ये हेडिंग्स होनी चाहिए, इतना वर्ड काउंट होना चाहिए, फॉन्ट ये होना चाहिए, डबल स्पेस्ड होना चाहिए, सिंगल स्पेस्ड होना चाहिए, पहला पेज ऐसे। तो वो सारी चीज़ें पहले खुद पढ़ो, समझो, और उसके मुताबिक पेपर लिखो। अच्छा, जब ये पता लग गया आपको, अब आपने लिखना मटेरियल्स एंड मेथड्स सेक्शन। पहले मटेरियल एंड मेथड्स आप लिखोगे तो उसमें यही कि भाई आई यूज दिस दिस एंड दिस कीवर्ड्स, यू नो, एंड द सर्च वॉज मेड इन की इन पबमेड, और कुछ और भी डेटाबेस हैं पबमेड के अलावा, लोग वो भी यूज कर सकते हैं, कॉकरेन एंड देयर आर अदर्स, यू कैन डू इट, ठीक है। तो आप वो सारा कुछ लिखोगे प्रोसेस। तो मुझे जी 2,000 ये आर्टिकल्स आए थे, उन 2,000 में से मैंने टाइटल रिव्यू करके 1,500 निकाल दिया, फिर उसके बाद जो 500 बचे थे उनका मैंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है, लेट्स से, और 100 जितने भी थे और उनमें से उनको मैंने एब्स्ट्रैक्ट पकड़ के ये निकाल दिए। पीछे मेरे पास 15-20 बचे थे, इन 15-20 का मैंने पूरा फुल लेंथ पेपर पढ़ा और इनमें से मैंने आधे निकाल दिए, एंड भी हमारे पे ये 10 पेपर बचे। इन 10 पेपर्स को पकड़ के अब हम अपना सिस्टमिक रिव्यू लिख रहे हैं, और वो सिस्टमिक रिव्यू ये होता है कि देखो सिस्टमिक रिव्यू ज़्यादातर उन चीज़ों का होता है कि जिसमें या तो कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, यू नो इट्स ऑल ओवर द प्लेस, या एक बड़ा बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है। जिस तरह अभी कोविड है तो कोविड के ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू शुरू में बहुत लोगों ने इस तरह पब्लिश की हैं कि जो जो छोटी मोटी इधर उधर से लोगों ने पब्लिश की थी उनको उठा के उन्होंने ट्रीटमेंट गाइडलाइंस प्रेजेंट की हैं। तो इस तरह का है कि या तो कोई बहुत डिस्प्यूट हो या एक बर्निंग क्वेश्चन हो। तो अब आपने ये करना है कि भाई कोई क्वेश्चन आपने उठा लिया है, लेट्स से हमने थैलेमस की बात की थी, तो मैं कहूँगा भाई अच्छा ये मैंने 3 पेपर देखे थे, इन 3 पेपर्स में उन्होंने राइट साइडेड इन्फार्क्ट दिखाया है, इन 2 पेपर्स में उन्होंने 4-4 इन्फार्क्ट दिखाए थे, वो चारों लेफ्ट साइडेड थे, इस पेपर में उन्होंने कंपेरिजन किया है, तो लेफ्ट और राइट इस तरह। तो ये आपका एक सिस्टमिक रिव्यू बन गया। तो पहले आपने मटीरियल्स एंड मेथड्स लिख लिए, ठीक है, यहाँ तक आपका मटीरियल्स एंड मेथड्स हो गया। अब उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन क्या है भाई, इंट्रोडक्शन सबसे आसान काम है लिखना, वो आपने बस इंट्रो देना है कि आप ये कर क्यों रहे हो,
जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है ये क्यों कर रहे हो, तो उसमें आप ये बताओगे कि देखो कि लेट्स से गॉल ब्लैडर डुप्लीकेशन, यू नो कि गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, और अ सर्जन शुड बी अवेयर कि भाई दिस इज समथिंग पॉसिबल कि गॉल ब्लैडर डुप्लीकेटेड हो जाता है, इन विच केस यू माइट टेक आउट वन पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर और दूसरा पार्ट वहीं पर रह जाएगा विच माइट लीड टू एडिशनल कॉम्प्लिकेशन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जन एंड रेडियोलॉजिस्ट टू बी अवेयर ऑफ दिस गॉल ब्लैडर डुप्लीकेशन. इसी तरह थैलेमस का है कि भाई अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो वी आर मैनेजिंग इनफार्क्ट्स ऑफ द थैलेमस, बट क्वेश्चन इज के इज यूनिलैटरल मोर कॉमन देन बायलैटरल, इज वन साइड मोर कॉमन देन द अदर, एंड इफ दैट इज व्हाई इज दैट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन. द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन सो दैट यू कैन मैनेज इट बेटर. इफ देर इज एनीथिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट इट यू कैन डू दैट. ठीक है, तो ये आपने सारी बात ब्रीफली इंट्रोडक्शन में अपना एक जो बिल्डअप है वो आपने बता दिया. फिर मटीरियल्स और मेथड्स आप पहले लिख चुके हो, अब आप उसके मुताबिक डिस्कशन लिखोगे, रिव्यू लिखोगे, जो भी है उसमें आपने बेसिकली एक जहन में रख लो, जिस तरह आप स्पीच लिख रहे हो या कोई भी आप एक छोटा सा खुलासा लिख रहे हो, समरी लिख रहे हो, कि पहले आप एक चीज़ लिखोगे कि भाई लेट्स स्टार्टिंग विद दिस पेपर, दे वर द फर्स्ट वंस टू लुक एट दिस, पब्लिश दिस, दे लुक्ड एट दिस एंड देयर फाइंडिंग्स वर दीज, देन दिस दिस एंड दिस पर्सन. नाम ना लो ज़्यादातर, कुछ अलाउ करते हैं जर्नल्स, कुछ नहीं करते. देन यू कैन से ओके, दूसरा एक और आपको पता होना चाहिए एट ऑल किस तरह लिखते हैं, वो भी देख लेना गूगल करके कि भाई यू नेम मेंशन द नेम ऑफ वन ऑथर और एट ऑल करके, तो इस तरह भी पेपर्स में लिखा होता है. लेट्स से तारिक एट ऑल पब्लिश दिस पेपर एंड इन हिज पेपर ही डिड प्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स दिस दिस एंड दिस, हाउएवर देर वॉज अनदर पर्सन, देर वॉज अनदर स्टडी फ्रॉम दिस प्लेस और वट एवर, यू नो दे पब्लिश दिस एंड देयर फाइंडिंग्स कॉन्ट्रोडिक्टेड, their findings were however supported by another team of researchers somewhere else. तो आपको सारी जो 10 researches हुई है ना, आपने उनको बता दिया कि अच्छा ये एक थी, इसने ये दिखाया, इसकी सपोर्ट में ये 4-5 हैं, लेकिन ये 2-4 contradict कर रही थी और इनकी findings इन्होंने support की है. एंड में आप एक summary बना के दे दोगे. Conclusion ज़्यादातर short होता है, तो वो आपका आखिरी पार्ट है. Conclusion से पहले अक्सर limitations होती हैं and potential avenues for future research. तो लिमिटेशन में आप यही बताओगे कि भाई देखो ये जो सारी रिसर्च हैं, ये सारी सिंगल सेंटर थी या इनमें कोई भी अगर था, ये सारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज थी, प्रोस्पेक्टिव नहीं थी, इनमें क्रॉसओवर नहीं हुआ था, रैंडमाइज नहीं थी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं थे, यू नो यू कैन ऑलवेज. लिमिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताना, ताकि जो आगे कोई अगर उस पर रिसर्च कर रहा है वो आपकी लिमिटेशन पढ़ के कोशिश करे कि वो दोबारा ना करे. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, राइट? तो कि आपकी रिसर्च बेहतर होती जाए और यू प्रोग्रेस द फील्ड फॉरवर्ड. तो ये हो गया जी, अब आपने लिमिटेशंस डाल दी हैं. लिमिटेशंस में मैंने जैसे आपको बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव है, वो सारी अभी तक रेट्रोस्पेक्टिव हैं, सारी सिंगल सेंटर स्टडीज़ हैं, कोई इनमें से रैंडमाइजेशन नहीं थी, ये आपने 2-4 चीज़ें लिखनी इस तरह की, मतलब कम अप विद दोस्त. फिर उसके बाद आप पोटेंशियल और हाँ पोटेंशियल रिसर्च और फ्यूचर एवेन्यूज ऑफ रिसर्च बताओगे कि भाई देखो कि दिस इज समथिंग that you know needs to be addressed in future, for that you know we suggest this and this for future researchers ke ye 3-4 topics pe aap log future research karo. Aur bahut si dafa hota kya hai ki aap hi apne aane wale research projects ke bare mein briefly bata dete ho ki in future this is what we gonna do. You know phir aapne maine jaise aapko bataya apna chota sa conclusion dal diya ek paragraph 3-4 lineon ka aur wo bada brief sa jame karke ki in this paper we present this and this we show this and this is what needs to happen in future. But briefly, आपने पेपर अपने सारे रेफरेंस में डालने थे, डिस्कशन में उसी फॉर्मेट में जिस तरह मैंने पिछली वीडियोज में बताया, रेफरेंस यूज करो, एंड नोट करो या खुद ही मैनुअली कर लो. सो दिस इज वेरी ब्रीफली कि आपको सिस्टेमिक रिव्यू कैसे करना है, लिखना है. मैं जल्दी से इस पर मेटा एनालिसिस की भी इसी वीडियो में डाल देता हूँ कि मेटा एनालिसिस जो है ना वो काफ़ी हद तक सिस्टेमिक रिव्यू है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फर्क सिर्फ इतना है कि आप उससे एक स्टेप आगे चले गए. रेदर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, आपने यही सारा प्रोसेस किया और आपने डिस्कशन से पहले मटेरियल्स एंड मेथड्स में एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सेक्शन ऐड कर दिया. उसमें आप यू विल बी टॉकिंग अबाउट कि एक्सेल वाज यूज्ड, स्टेटा, व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू यूज वाज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपने जो रिसर्च पेपर्स निकाले थे ना एंड में सारा फिल्टर करके 10-15 जितने भी थे, आपने उनके रिसर्च को, जो उनका डाटा है सारा,
वो सारा निकाला, लेट्स से एक में 25 पेशेंट्स थे, दूसरे में 35 थे, अगले में 45 थे, उनमें से एक में 30% फीमेल्स थी, दूसरे में 25 थी, उससे अगले में 50% थी, वो सारा आपने डाटा खुद एक्सेल शीट में डालना है, उनकी फाइंडिंग्स, उनका सारा कुछ, और ये सारी जितनी भी आपने रिसर्च पकड़ी है, 10 पेपर्स हैं, उन सबका डालना है। अब जब आपने ये कर लिया है, अब आपने उन सब की एक तरह से एवरेज लेनी है, समझ आ गई, कि लेट्स से 25 पेशेंट्स हैं, 30 पेशेंट्स हैं, 35 पेशेंट्स हैं, आपने 10 स्टडीज डाली हैं, आपके पास एंड में 250-300 पेशेंट्स आ गए, तो अब आपने उनकी एवरेजेस प्रेजेंट करनी है, और वो आप दिखा रहे हो कि मीन एज इन ऑल दीज 10 स्टडीज वर दिस, 80% वर मेन, 20% वर फीमेल्स, और फिर आप उसके एसोसिएटेड जो जो बातें हैं कि एवरेज इन तमाम स्टडीज में ये फाइंडिंग्स हमें नजर आई, और वो आप हर एक चीज की फैक्टर की बताते जाओगे। उसके अलावा मेटा एनालिसिस में ये हो रहा है कि आपने जिस तरह मैंने डिस्कशन में बताया, आप यही बताओगे कि जो ये 3-4 पेपर्स थे, इन्होंने इस फाइंडिंग को इस तरह सपोर्ट किया, फिर 3-4 पेपर्स इसके अगेंस्ट के हैं, हमारी दो सारों को मिला के, सारों की खिचड़ी पका के जो एवरेज निकली है वो ये फाइंडिंग्स है, ठीक है, और उसमें बाकी सारा जो है सिस्टमिक रिव्यू का ये रहता है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि जब भी करने लगो अगर मेटा एनालिसिस, तो पहले ये देखो जिस पर जनरल में पब्लिश करना है वो लेता भी है कि नहीं, और अगर लेता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड लिमिट क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक पेपर्स में कुछ लोग कहेंगे जनरल्स के भाई आप 10 से 20 पेपर्स हैं तो उनका मेटा एनालिसिस कर सकते हो, ये नहीं कर सकते कि 2-3 पेपर उठाओ तो मेटा एनालिसिस उनका लिख दो, ठीक है। चलो, दिस इज वेरी ब्रीफली वीडियो ऑन हाउ टू डू मेटा एनालिसिस एंड हाउ टू write a systemic review. We will try to do more in-depth videos in future as well, some stat related, some how to design a research study. But I hope this gives you some insight. I got a lot of messages कि भाई please इस पे video बना दें, ठीक है? चलो, I hope this helped you. If it did, please like it, share it with others, subscribe to the channel, ring on the notification bell, and like always say, never give up, never lose hope. Bye.